नमस्कार दोस्तों, आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनने मात्र से ही मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए शुरू करते हैं सत्यनारायण भगवान जी की कथा। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था, वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण को सत्य नारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्य नारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्य नारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम में बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहा। यह देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न हो श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास से व्याकुल कथा सुनने के लिए बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा और उसने बताया कि यह सत्यनारायण जी का व्रत है जो मनोवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि सभी पूजन की सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह और उसकी रानियां दोनों बड़े ही धर्मिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशीला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं भी पूजा की जगह बैठ गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा को इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पा बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत के बारे में बताया और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई। उसने कहा, मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई तो उसने दूतों द्वारा खोज करवाकर कंचनपुर नगर के एक बनिए के सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए।
कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रत्नसारपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराया हुआ धन एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दे दिया और उनका धन कोष में जमा कर दिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी, प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने यह सब बात कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बात याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्त होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके जो आपका व्रत नहीं किया है उसी से आप अप्रसन्न हुए थे, अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सभी धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पोत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दे दिया और साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंदित होकर अपनी नौका लेकर अपने घर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है? बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया, नौका में तो फूल पत्तों के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका तो हल्की हो गई है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और देखा और बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी नौका में हर जगह फूल पत्ते ही थे। परंतु दामाद ने कहा, इस प्रकार हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा, हमें उन्हीं दंडी स्वामी के पास जाना चाहिए, यह उन्हीं की करामात है। उनसे चलकर प्रार्थना करेंगे तो फिर से वैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनीत प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे इच्छित वरदान दिया और स्वयं उसी जगह से अंतर्ध्यान हो गए। बनियों ने नाव के पास जाकर देखा तो अब वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने श्री सत्यदेव भगवान का पूजन किया और कथा सुनी, फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ, तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी तट पर पहुँच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना ही भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची, उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देख बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊं लेकर सती होने को उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए दौड़ी आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आएगी तो उसका पति जी उठेगा। यह सुन कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई और क्या देखती है कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। यह देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यदेव भगवान का व्रत करता रहा तथा श्रद्धा पूर्वक कथा को सुनता रहा। इसके पश्चात सूत जी बोले,
एक समय तुंग ध्वज राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। वहां उसने देखा कि एक बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत से गोप ग्वाल इकट्ठे होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। राजा ने न तो सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया और न ही पूजन के पास गया। गोपगण राजा को देखकर स्वयं प्रसाद लेकर उसके पास आए और प्रसाद राजा के सामने रख दिया। राजा ने प्रसाद की कुछ परवाह नहीं की और महल की ओर चला गया। राजद्वार पर पहुंचते ही राजा को मालूम हुआ कि उसके पुत्र पौत्र और धन संपत्ति सब नष्ट हो गए हैं। उसे वन की घटना स्मरण हो आई और उसने विचार किया कि श्री सत्यदेव के प्रसाद का निरादर करने के कारण मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। यह सोचकर राजा पुनः वन में दौड़ा गया और सब गोप ग्वालों के साथ मिलकर श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यदेव भगवान का पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद वह जब घर पर लौट आया तो उसके मृत पुत्र पोत्रादि सभी जी उठे और नष्ट हुई संपत्ति भी ज्यों की त्यों हो गई। तब से राजा जीवन भर समय समय पर श्री सत्यदेव भगवान का पूजन और व्रत करता रहा। जय श्री सत्यनारायण भगवान।